倒数计时三二一，唱首歌送你哆来咪。青春是我的加速器，再加上你就敢无敌。我全副武装迎接你，神功护体，请别担心。如果你发现我心中的秘密，是意外或惊喜，微笑填满全集。试探我们距离，因为遇见你烦恼被治愈，告白回应都很默契。当靠近你靠近你，贴着你贴着你，一加一等于一，我要一张魔力，那你的名字在我心里会马上有力气。哦，我和你我和你，像苹果和吸引力，让祝福来亲吻大地。心有一些问题，拆盲盒的好戏，每次惊喜都会动心，因为你。啊，都嘛个有的。स्वीट सू, हाँ? मुझे अजीब फील हो रहा है, तुम मुझसे बात कर सकते हो? क्यों? क्या ये अर्ली मेनोपॉज है? धत, कैसी बात करते हो? ये नामुमकिन है. मुझे कोई मेनोपॉज नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो. पागल, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ. हे, मैं मिस्टर ली से मिली. हा? अभी काम से वापस आते वक्त पता है उसने क्या बताया? क्या उसने बताया? मैं दो दिन पहले अपने कुत्ते को वॉक करा रहा था, तब मैंने देखा तुम्हारी बेटी को जो कुछ सूट पहने थे उनके साथ लड़ रही थी. कब? जिंग जिंग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है. एक बूढ़ा आदमी चार पांच लड़कों के साथ. हाँ? लगता है वो गो के लिए यहाँ आए थे. मैंने सुना कि गो ने उसे दादाजी बुलाया. क्या तुमने देखा कि वो सच में लड़ रहे थे? हाँ बिल्कुल, ये काफी भयंकर था. मैंने सोचा कि मैं भी उन पर हमला करूं, क्योंकि मैं डर रहा था कि जिंग जिंग हार जाएगी. पर उन्होंने कुछ तो कहा तो बुढ़े ने रास्ता दिखाया और चला गया. हाँ? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हें ये पता लगाना चाहिए कि ये गुम आखिर कौन है. अरे, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए. हाँ, हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. गू बस हमारा किराएदार है. हाँ, ये हमारा मामला नहीं है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है. पर अब अचानक वो जिंग जिंग के पीछे पड़ गया है तो ये कुछ और ही बात है. हाँ, और ऐसे किसी के साथ तो बहुत सारे दुश्मन होते होंगे. जिंग जिंग का इस तरह के मामले में पड़ना बहुत खतरनाक है.
इस बात को साइड करो। मुझे भी चिंता है कि गू के दादाजी हमारी जिंगजिंग को पसंद नहीं करते। वो हमारी जिंगजिंग को पसंद नहीं करते? हमारी जिंगजिंग कितनी अच्छी है, मुझे यकीन नहीं होता कि उन्हें हमारी बेटी पसंद नहीं है। मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता। सुनो ना स्वीटसू, वो मैं कह रही थी कि गू वो लड़का हार्ड वर्किंग नहीं है। अगर वो दोनों शादी करते हैं तो जिंगजिंग को उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, जो उसे एक हाउस कीपर बनाता है। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, मुझे डर लगता है कि जिंगजिंग तकलीफ में पड़ जाएगी। हाँ, है? और अगर गू और उसके दादाजी के बीच में कुछ गड़बड़ हो तो उनका तो आखिरकार खून का रिश्ता है। हाँ। सही है ना? अगर उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है तो फिर भी हमारी जिंगजिंग तो बाहरी है, जिंगजिंग के साथ तो सबसे ज्यादा बुरा सलूक होगा। सही कहा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और मैं श्योर हूँ कि उसके दादाजी पोता चाहते होंगे, शायद उन्हें 3-4 से ज्यादा चाहिए होंगे। इसका मतलब है अगले 10 साल के अंदर अंदर जिंगजिंग को बहुत सारे बच्चे पैदा करने होंगे, उसे बहुत तकलीफ होगी। सही कहा, सही कहा, सही कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। तो जाओ। आ रही हूँ। कौन? मिस भाई तुम हो? हेलो मैम, मुझे पता है मिस्टर गु बीमार है, मुझे उन्हें कुछ देना है। ओ, तुम अंदर आओ, आओ। अरे उधर, हाँ उधर। उसने दवाई ली है, कुछ देर सोता रहेगा। ठीक है, उसे सोने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। ये एंटी ग्लाइकेशन के लिए है, हर सुबह एक देनी है। तुम्हारे परिवार की डाइट सिर्फ फ्राइंग और स्टिर फ्राइंग पर डिपेंड है, जो कि अच्छी नहीं है। ये एंटीऑक्सीडेंट के लिए है, हर रात सोने से पहले एक लेना। याद रहे इसे गर्म पानी के साथ नहीं मिलाना। मुझे लगता है तुमने घर के लिए माइट्स हटाए नहीं होंगे, है ना? ये एंटी एलर्जी और इम्यून बूस्टिंग के लिए है, हर 24 घंटे में एक लो। मिस सू, मैंने चेयरमैन से सुना कि तुम उनसे मिली थी। मिस्टर गु, आखिर वो चेयरमैन के पोते हैं, वो जिंदगी में कभी ना मिले, नामुमकिन है। और तुम एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आ सकती हो उनके बीच में। मिस बाई, तुम गलत फहमी में हो। गुरों को पहले भी घर जाने का मन नहीं करता था, वरना वो यहां रहता ही नहीं। अगर उसे वापस जाना है तो मैं नहीं रोकूंगी। मिस सू, मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या कह रही हूँ। चेयरमैन को पहले ही पता है कि मिस्टर गु तुम्हें पसंद करते हैं। मिस्टर गु अपनी जिद पर है, उनके घर आने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं मिस्टर गु ने बचपन में बेस्ट एजुकेशन ली थी। 16 साल की उम्र में उसने यूके में पढ़ाई शुरू की और वो टॉप 10 बिजनेस मेजर्स में घुस गया था। इस एस्पेक्ट में वो एक जीनियस है। कहने की जरूरत नहीं कि गु का बिजनेस एक जिम्मेदारी है जिससे वो भाग नहीं सकता। चाहे भले वो गु ग्रुप में वापस नहीं जाता, अगर जीरो से शुरू करता तो भी वो सक्सेसफुल हो सकता था। क्या तुम्हें लगता है वो हमेशा तुम्हारी दुनिया में रहेगा? मेरा ये मतलब नहीं कि वो यहाँ हमेशा के लिए रहे। ठीक है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम उसकी दुनिया में कदम रख सकती हो? तुम, तुम्हारा परिवार और जो भी कुछ तुम्हारे चारों तरफ है, ये सब उसके लिए बहुत नया है। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है कि वो पूरी तरह चेयरमैन के कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अभी उनको तुम पर क्रश है। चेयरमैन,
और मैं इसे पूरी तरह से समझती हूँ। मिसू, तुम एक बहुत ही सिंपल लड़की हो, तुम्हें एक सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मैं सही हूँ? मिस बाय, थोड़े फ्रूट्स खा लो। मैम, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। तुम जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। नहीं शुक्रिया, बाय। हाँ, जिंग जिंग, थोड़े फल खा लो। हाँ मिस बाय ने अभी अभी तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, बस गुराओं के बारे में कुछ। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? गु के बारे में बात करनी है। तुम्हारे पापा और मैं सोचते हैं शायद तुम और गु एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। हम थोड़े परेशान हैं। मॉम, परेशान मत हो, मैं और गुरोंग एक नहीं हो सकते। जिंग जिंग, तुम्हारे पापा और मैं और कुछ नहीं चाहते, बस हम चाहते हैं। मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। जिंग जिंग, हम एक दुनिया के नहीं हैं। बच्चे, क्या तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है? जिंग जिंग, तुम मेरे लिए खाने के लिए क्या लाई हो? मुझे भूख लगी है। बहुत सारी स्वादिष्ट दवाइयां हैं, खा लो। ये क्या है? मिस बाई ने यहां भेजी है, ये बहुत सारी एंटी चीजें हैं। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है। मैं कहती हूँ तुम इन्हें ले लो, हमारे पास हेल्दी डाइट नहीं है और हम माइट से छुटकारा भी नहीं पा सकते। आज हुआ क्या है? तुम भला इतनी गुस्से में क्यों हो? मैंने कुछ बोल दिया क्या तुम्हें? गुरोंग, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। हम बस अपना रिश्ता प्रोफेशनल रखेंगे। लेकिन तुम ऐसा कह क्यों रही हो? तुमने मुझे माफ नहीं किया क्या? माफ करना और स्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। अच्छा, तो फिर ये बताओ, हमारे एक होने में गलत क्या है? अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तब भी कोई बात नहीं है, तब भी हम अलग नहीं हो सकते, हम एक दूसरे के लिए सही है। हम दोनों अलग दुनिया से हैं, एक नहीं हो सकते। दोनों अलग दुनिया से हैं।
दिखाई तो देता है ना, ये तुम में फंस गया था। देखो ये कोई तरीका नहीं है मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने का। तुम कौन हो? मुझे लगा तुम मेरी मॉम हो, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने बाथरोब पहना था, तुम जान जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा परिवार और जो भी कुछ तुम्हारे चारों तरफ है, ये सब उसके लिए बहुत नया है। अब क्या गलत कमरे में आ गई क्या? इसे जब भी इस्तेमाल करो खिड़की और दरवाजे खुले रखो, मरना चाहते हो क्या? बेशक ये हेनरन की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, क्योंकि मिस सू आज से मेरी है। मुझे परवाह नहीं तुम इसके लिए क्या सोच रही हो, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। आज से मैं तुम्हें अपना बनाता हूँ। सूजिंग जी, मिस्टर गो, आखिर वो चेयरमैन की पोते हैं, वो जिंदगी में कभी ना मिले ये नामुमकिन है, और तुम एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आ सकती हो उनके बीच में। बात ना मानना, बड़ों को धमकियां देना, क्या तुम इसी बड़े सपने की बात कर रहे थे? शायद तुम और गो एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, हम थोड़ा परेशान हैं। मॉम परेशान मत हो, मैं और बुरा एक नहीं हो सकते। उठो, इसका क्या मतलब है? ये मेरे सभी अकाउंट्स के नंबर्स हैं और पासवर्ड्स हैं, तुम जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती हो। इसका क्या मतलब है? तुमने कहा हम दोनों एक अलग दुनिया से हैं, तो चलो दोनों को एक कर रहा हूँ मैं। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा तुमने एक समस्या उठाई और मैंने उसे सॉल्व किया, तो मैं ही बेवकूफ हूँ? गुरांग तुम्हें समझ नहीं आता, हमारे डिफरेंसेस पैसे से ज्यादा है। मैं तुम्हारे वैल्यूज नहीं समझ सकती और तुम मेरे वैल्यूज से सहमत नहीं हो। मैं कैसे सहमत नहीं हूँ? देखो मैं यहाँ बहुत वक्त से हूँ और अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। क्योंकि तुम एक भटकती टूरिस्ट की तरह हो, तुम यहाँ कभी फिट नहीं हुए। वो घर के मसले, छोटी मोटी बातों में छोटी मोटी चीजें, यही मेरी जिंदगी है। बाप रे बाप, कितनी गुस्सेल है। तुमने क्या कहा? क्या तुम अपने पैसे उसे ट्रांसफर करने वाले हो? इतने सारे? हाँ, और फिर भी मुझे डांट रही थी। वो तुम्हें क्यों डांट रही थी? उसे तुम्हें पीटना चाहिए था। और ये इतने पैसे, इसका क्या मतलब है? उसे खरीदोगे? तुम जिंग जिंग को किस तरह से ले रहे हो? देखो ऐसी बात नहीं है, जिंग जिंग ने मुझसे कहा कि हमारे बीच एक बड़ी समस्या है कि हमारा फाइनेंशियल गैप ज्यादा है, तो बस उस गैप को भर रहा था। हे भगवान, जिंग जिंग का मतलब है कि तुम अमीर हो और वो नॉर्मल है, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है कि तुम अमीर हो। लेकिन इस समस्या का सामना करने के लिए तुम इतने बचकाने तरीके से जिंग जिंग का अपमान कर रहे हो, और अपने रिश्ते का भी। तुम्हें डांट पड़नी चाहिए, ये साबित करता है कि तुम दोनों सच में एक अलग दुनिया से हो। हे भगवान, अब मैं समझा। मैंने नोटिस किया है श्वेता बेवकूफ हो रहा है। क्या प्यार सच में लोगों को बेवकूफ बना देता है। अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें उसकी जिंदगी को समझना होगा, उसको अपने आसपास मत घूमने दो। मिस्टर गू, मैं यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम खुद इसका हल नहीं निकाल सकते, तब शायद तुम जिंग जिंग के लिए सही नहीं हो। सच कहने पर ये किस्मत है कि तुम और जिंग जिंग जो अलग दुनिया से हो, एक दूसरे से मिल पाए। लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे के साथ रहने की संभावना ब्लाइंड बॉक्स में से सीक्रेट फिगर निकालने से ज्यादा कम है। ये क्या है? एक सीक्रेट फिगर?
दादा मैं आपकी कुर्सी हिला दूंगी। तुम बहुत प्यारी हो। आज आपके पास कोई कैंडी है क्या? वो जिंगजिंग ने बताया कि तुम्हें सर्दी हो गई। मैंने आज हनी सकल फ्रूट की मदद से हर्बल चाय बनाई है, इसे पियो ठीक हो जाओगे। थैंक यू मिशन। कोई बात नहीं, बस पी लो। मिशन। हाँ। क्या आपको लगता है आपका बिजनेस अच्छा है? अरे बिल्कुल नहीं, तुम देख सकते हो यहाँ कोई नहीं है। मैं सिर्फ अपने रेगुलर कस्टमर्स के साथ ही बिजनेस करती हूँ। क्या आपने कभी टेकआउट अकाउंट बनाने का सोचा? मैं कह रहा हूँ आपको ऑर्डर्स बहुत मिलेंगे। मुझे वो इंटरनेट की चीजें समझ नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट या वो अग्रीमेंट। मुझे डर है कि अगर मेरे साथ स्कैम हो गया तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। शायद मुझे ऐसे ही बिजनेस करते रहना चाहिए। आपका अकाउंट मैं बना दूंगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। डीन ने केपीआई के बारे में पहली बात क्यों की? केपीआई? हाँ, ये क्या है? ये बस गेस्ट को वीआईपी कार्ड्स के लिए मनाना है। मतलब जैसे ही मैं मेहमानों को कार्ड लेने के लिए मना लेती हूँ, उनके चेहरे पर अरे बाप रे वो लंबा सा मुंह होता है। मैं उन्हें सिर्फ खास पैकेज रेकमेंड करती हूँ, वो मुझ पर भरोसा नहीं करते। लेकिन हमारी उम्र में लोग जरूरी नहीं कि इतने अच्छे होते हैं जैसे वो यंग ब्यूटिशियन होते हैं। और साथ ही हमें देखो, पुराने चेहरे के साथ कौन हमारी सलाह पर भरोसा करेगा? तुम ऐसा नहीं कह सकती हो। ओल्ड एज में भी हमें सुंदर रहना होगा। अगर मेरे पास पैसा होता तो अपने स्टोर में जितना भी सामान है मैं सब इस्तेमाल करती। हाँ, हाँ, कितना अच्छा लगता है, सुंदर अच्छा लगता है। अरे मैडम। बेटा तुम यहाँ क्यों आए? मिस्टर गु ने मुझे बोला कि आपका ब्यूटी सैलून अच्छी और प्रोफेशनल सर्विस देता है। हाँ? तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हमारी कंपनी की ही तरह 50 इंटरनल कार्ड्स आप सभी को भी दिए जाएं। मैडम बस इतना कहना था मुझे। 50 कार्ड्स? सच में? हाँ। फिर से बताओ कितने हैं? फिर से बोलो। 50 कार्ड्स? ओह गॉड, सच में? ये कमाल है। मैं यही सोच रही थी कि आज हमें जोर से बात क्यों नहीं करनी पड़ रही। सबने हेडफोन्स पहने हैं। बहुत अजीब लग रहा है। सो मेरी तरफ से गु को धन्यवाद कहना। किस लिए? हमें डिस्टरबेंस की शिकायत मिली थी, इसलिए सिर्फ हम अपना म्यूजिक धीरे बजा सकते थे। अच्छा। पीछे वाले लोगों को म्यूजिक साफ नहीं सुनाई दे रहा था। मैं कल गू से मिली थी, उसने हमें बताया कि अब वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स आ गए हैं। उसने हर एक को पेयर दिया और हमें यूज करना सिखाया। देखो अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए हमें अब डांस करते वक्त आराम रहता है। मैं पानी पीने जा रही हूं। ठीक है, अपने हेडफोन्स का ध्यान रखना। हां ठीक है। ऐसा कैसे? ये गुरों का काम नहीं लगता। अरे तुम गलत हो, ये जिसने किया है वो वही होगा। अरे तू चलो अपने बेटे के साथ घूम रहे हो। यहाँ आओ, ये लो। सस्ता है। देती हूँ, अभी देती हूँ। लो ये। हाँ नंबर 94 ले लो। हेलो सू। हे सू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, शुक्रिया कहना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, 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 रुको रुको रुको, तुम मुझे किस लिए धन्यवाद दे रही हो? ये गु के लिए है। जब उसने मेरे लिए टेकआउट अकाउंट अप्लाई किया, मुझे रोज रोज बहुत सारे टेकआउट ऑर्डर्स मिले। मेरे पास हर दिन का 100 से ज्यादा ऑर्डर्स हैं। मैं किसी और टाइम तुम्हारा बिजनेस में सफलता मिले। तुम बहुत अच्छे हो। अरे यार नंबर 97 ले लो। ये लो। शायद ये गु पागल हो गया है, भेजा हिल गया उसका। चलिए चलते हैं। ये लो सू। हेलो हेलो हेलो। ये अजीब है यार, उन्होंने हेडफोन्स पहने हुए हैं। गो मिस्टर, बिजी हो? थोड़ा सा। इसे देखिए मिस्टर, ये आप सभी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होने वाले हैं। इतने सारे?
ये बच्चे सबने मार्शल आर्ट सीखने के लिए साइन अप किया है। पहले एक भी स्टूडेंट नहीं मिला था, इतने सारे कहाँ से आए? इसकी वजह से मिस्टर, इसे देखिए, ये H5 प्रमोशनल पेज बनाया है कुछ 80s के जनरेशन के पेरेंट्स के लिए जो इस जमाने में भी असली मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं और अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी मार्केटिंग जरूरी थी, इसलिए ये मैंने बनाया। शानदार, थैंक यू वेरी मच। ए सॉरी, ये तो कमाल है, है? इसके अलावा कुछ और भी है। क्या है? मैं भी मार्शल आर्ट सीखूंगा। हाँ? मैं जानता हूँ आप सोचते हैं कि मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ और मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, तो थोड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। अच्छा? मुझसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए? तुम्हें अभी भी बुखार है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। पापा ज्यादा बॉक्सिंग नहीं कर सकते, वो बस ट्रेन करना चाहते हैं। तुम क्या बात कर रही हो यार, मुझसे क्यों नहीं कर सकता? मैं तैयार हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम तैयार हो तो चलो, ठीक है। एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई बेसिक स्किल्स नहीं सीखता तो वो बुढ़ापे में पछताएगा। मार्शल आर्ट्स सिर्फ बचाव के लिए नहीं है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक स्किल्स को अच्छे से ट्रेन किया जाए। इसलिए अब से हम तुम्हारे बेसिक कोर स्ट्रेंथ को ट्रेन करेंगे। स्क्वाट्स के लिए हाथ सीधे होने चाहिए और पैर नीचे बंद हो जाए और नीचे जाओ। ए, 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 अरे आप ठीक तो है ना? वापस जाओ। ये लो बेटी, तुम जाओ। हिलना मत मिस्टर गू। ठीक है, बेटा ये सूप जो तुम बनाते हो ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा चिकन सूप कभी नहीं पिया था, आपने अच्छे से सिखाया मैम। तुम बहुत समझदार हो, तुमने इसे अच्छे से सीखा। आप दोनों खा लीजिए, मुझे जाना है। मिस्टर ली के पैर में चोट है तो उनके डॉग को घुमाना है। हा? अभी? हा? थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम अभी जाओगे? हाँ। अरे यार, अरे जिया, क्या तुमने नोटिस किया कि ये जो गू है ना हाल ही में बहुत बदल गया है। स्वीट सूप, मुझे अचानक ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरे पास एक बेटा है। अब सिंह सिंह की चिंता की कोई जरूरत नहीं, हम तब वैसा नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर हम करते तो हमारा बेटा अब इस उम्र का होता है। क्या देश अब दूसरे बच्चे को पढ़ावा नहीं दे रहा है? क्या कहती हो? भगवान, स्वीट सू, तुम अभी भी उसी फिराक में हो? तुम जो सोच रहे हो वो काम नहीं करेगा। अरे यार, आदमी उतना हिम्मत वाला होता है जितना वो हो सकता है।
चलो फिर कोशिश करते हैं एक और बच्चा होने की। तुम वैसे भी तुम तो प्रेग्नेंट होने नहीं वाले हो। हाँ पता है बच्चा डिलीवर करना कितना पेनफुल है। भले ही मैं जवान दिखती हूँ वो इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा अपना ख्याल अच्छे से रखा है। मैं बुढ़ी हो रही हूँ, बुढ़ापे में बच्चा जन्म देना खतरनाक होता है। मैं कह रही हूँ हम अपने शरीर को हेल्दी रखें और जिंग जिंग का इंतजार करें हमें पोतिया पोता देने के लिए। जिंग 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 मुझे लगता है गो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। हाँ। इस बारे में मत बोलो, चलो खाना खाते हैं। चलो दिन में कैसे सो गया? तुमने बहुत काम किया ना इसीलिए। मुझे मेरी नींद की बीमारी का इलाज मिल गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं बेड पर जाते ही सो जाता हूँ। तुम मुझे कहते थे ना इंसान को दिल की सुननी चाहिए। अब खुद को देखो, तुम अपने आप को ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे। खुद को बदल रहा हूं ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही बहुत पसंद करता हूं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और वैसे भी मेरे पास एक सुरक्षा का एहसास है जो पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे मौका दिया। तुम क्या सोचती हो? मैंने अभी तय नहीं किया। जिंग, तुम ऐसे प्लम का जूस मत पियो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। देखो कितना पी लिया तुमने। अरे ठीक है, इससे मुझे शांति मिलती है, वरना मुझे डर है कि मैं उसे हाँ बोल दूंगी। किस बारे में? कुछ नहीं। बोलो बोलो किस बारे में बोलो। कुछ नहीं। हमारी उम्र की लड़कियाँ ये नहीं समझ पाती है। तुम यंग लड़कियाँ क्या सोचती हो, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर गु एक अच्छा लड़का है। वो हैंडसम और अमीर है और तुम्हारा ख्याल रखता है। वो बहुत कूल है और जो उसके साथ काम करता है वो भी अच्छा है। जरा सुन जिंग जिंग, अगर तेरा उसके साथ रिलेशनशिप होता है उसके साथ गलत मत करना। अरे ये इम्पॉसिबल है। देखो मिस चेन, डिलीवरी बॉय आया है, आप जाओ काम करो। हाँ एक सेकेंड रुको। अरे ये लो नंबर 48, ये लो। मिस सू, माफ करना पर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे?
ग्रैंडपा गु, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं चाहता हूँ तुम गोरों को समझाओ कि वो गो ग्रुप में लौट जाए। मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती। तुम जो भी मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। देखो, मैं जानता हूँ कि इस दौरान गुरोंग और तुम बहुत करीब आ गए हो, और मैं मानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो। जब तक तुम मनाओगी, गुरोंग तुम्हारी सुनेगा। ग्रैंडपा गु, गुरोंग और मैं बस हम गो ग्रुप के फाइनेंस टीम और लीगल टीम यही है। मेरी बात पर विचार करो, उन्हें बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। जब तक ये हाँ ना कहे से जाने मत देना। और हाँ, ये कुंफू कराटे जानती है, संभल के।世界上无法靠近的例外，而你却是唯一的意外。爱得无法自拔，想跟你浪迹天涯，相信我这是真心话。在你眼前才是我最真的姿态，什么都不需要去掩盖，总能让人期待有你在的未来，这是我们的童话。牵着你，心就回到了家。不管人世间多复杂，你就是我的那个他。这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜。总是不经意，总是不经意，偷偷想起你，偷偷想起关于你的点点滴滴。这就是我们之间的专属记忆，终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜。总是不经意，偷偷想起你，偷偷想起关于你的点点滴滴。这就是我们之间的专属记忆，终于明白了坚持的意义，一切慢慢清晰，你是注定出现在我生命里。这就是我们之间的专属记忆，有着最独特的甜蜜，一起去憧憬，一路上风景，见证彼此点点滴滴。这就是我们之间的专属记忆，终于明白了坚持的意义。